हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है मेरा होंडा शिबी साइन 125cc 2015 मॉडल है ये। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का शिकायत है कि इसका जो स्पीडोमीटर वायर है वो बार बार टूटता है, और टूटने के कारण कुछ लोग इसका वायर ही नहीं लगवाते हैं, जिससे उनको अपने गाड़ी का स्पीड का मालूम नहीं होता, गाड़ी कितना चला मालूम नहीं होता, और जिसके वजह से वो टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करवा पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो परेशान है बार बार तार के टूटने से। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा क्या करें कि आपका जो तार जो 6 महीने में टूटता था पहले, अब वो साल भर चलेगा। सिर्फ आपको 3 मिनट देना है, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट, 3 मिनट आप दीजिए और अपने गाड़ी का जो तार जो बार बार टूटने का जो शिकायत है उसको दूर करें। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ क्या करना है ऐसा, ठीक है। आप ये केबल देख रहे होंगे, ये ब्रेक वाला है और ये आपका स्पीडोमीटर का है। तो स्पीडोमीटर का कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार हेड खोलना पड़ता है, ये पूरा हेड खोलना पड़ेगा, फिर इसको चेंज करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए, ये जो हल्का सा क्लिप दिख रहा है ये देखिए, इसको पुश करना है, इसको पुश करें और एक तरफ से इसको खींचे। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो देखिए बाहर आ गया है, ये देखिए ये बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको बस खींच लेना अपने आप। आप देख सकते हैं ये अभी गीला है क्योंकि मैं यही करता हूँ। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो नीचे का सरफेस है उसको साफ़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर मिट्टी है कुछ है तो चिपक सकता है इसमें। तो आप याद कर रखिए कि इसको साफ़ रख लीजिए। और ये याद रखिएगा कि आप किस साइड से निकाल रहे हैं, जैसे ये ऊपर का साइड है तो लगाते टाइम भी ध्यान रखें कि ऊपर ही जाए। अब आपको क्या करना है, जैसे ये ग्रीस है, आप देख रहे हैं ग्रीस है, ये मेरे को मिला था 50 रुपीज़ का। तो आप चाहे तो इसमें ग्रीस लगा सकते हैं या ऑयल लगा लीजिए, और ऑयल लगाने के बाद इसको जैसे निकाले थे वैसे ही डाल दीजिए। चलो ठीक है, मैं भी इसमें ऑयल लगाता हूँ, हल्का सा ग्रीस लगाता हूँ, उसके बाद मैं फिर दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो भाग है ऊपर का है, तो आपको ये पकड़ लेना ऐसे, और सबसे पहले ये ऊपर में लगाइए, ऊपर में जो भी है तेल लगा रहे हैं या ग्रीस लगा रहे हैं, उस लगाने के बाद आप क्या करिए उसके माउथ में डाल दीजिए। इतना लगाने के बाद ऐसे थोड़ा सा घुसाने के बाद बाकी जैसे वो अंदर चले जाएगा बाकी में आप लगाते जाइए और अंदर डालते जाइए, ठीक है। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, देखिए इसमें मैं ग्रीस लगा लिया हूँ, अब मैं इसको अंदर डालता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा अंदर डाला हूँ, मैं अकेले हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और तार को भी बना रहा हूँ, इसकी वजह से मैं लगाते हुए नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो देखिए आप इतना डालिए, अब ऐसे पकड़ने के बाद आप ग्रीस लगाते जाइए अंदर डालते जाइए, ग्रीस लगाइए अंदर डालते जाइए। तो आप ऐसे करते हुए कर सकते हैं। अब मैं लगाता हूँ, उसका फिर दिखाता हूँ आपको। हाँ तो देखिए इसमें मैं अच्छे से ग्रीस लगा चुका हूँ, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इसमें लगा देना है। हाँ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो वायर है ये यहाँ तक अंदर जाना चाहिए, देखिए छोटा सा बचा है बाकी अंदर चले गया, इतना अंदर जाना चाहिए तभी लगाएंगे ना। तो चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको लगा देना है इसमें, ये लग गया। तो ऐसा करके आप अपने स्पीडोमीटर वायर का जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं करना है आपको, मैं तो बोलता हूँ 6 महीने साल भर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसा करके देखिए ना, एक बार करें, आप एक बार करिए, जैसे आप अभी नया लगा लिए, नया लगाने के बाद 6 महीना, ये ज़्यादातर बरसात में जल्दी ख़राब होता है, तो आप बरसात टाइम में इसको ऐसा कर सकते हैं, बरसात में इसको खोलिए, ऑयल लगाइए, इसको दोबारा लगाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई लोग, ठीक है, बाय बाय।